नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बारिश को लेकर। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। बिहार के ज़्यादातर जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, मॉनसून एक्टिव है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक्टिव है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश जैसे हालात हैं, साथ ही साथ मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ नेपाल में एक बार फिर से हो रही बारिश की वजह से उत्तर और पूर्व के जिलों में एक बार फिर से बारिश जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। साथ ही साथ कई नदियाँ उफान पर है। इधर प्रदेश के दक्षिण के जिलों में अभी भी लोगों को बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग भले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता रहा है, लेकिन दक्षिण के जिलों में किसानों को खासकर साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को लेकर जो है उन्हें उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके बारिश हो, एक तो आम लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी, दूसरी तरफ बारिश होने से किसानों की फसलें जो है वो तय समय पर यानी कि समय पर जो है वो उसकी शुरुआत कर सकेंगे। मौसम विभाग की माने तो जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। विभाग की माने तो 28 और 29 जून को प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम के जानकारों की माने तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। उत्तर के जिलों में मानसून की सक्रियता के कारण अच्छी बारिश भी हो रही है, लेकिन प्रदेश के दूसरे अन्य जिलों में अभी भी लोगों को बारिश का इंतजार है। हालांकि अभी यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में मानसून के अनुकूल समय बना हुआ है, जिससे कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जिन जिलों में बारिश नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में बारिश होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस तरह के मानसूनी सिस्टम अब एक बार फिर से बिहार में सक्रिय हुआ है। प्रदेश के उत्तर पूर्व और नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार के सीमावर्ती जिलों में कई नदियां उफान पर हैं। पश्चिम चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले कटिहार में महानंदा नदी में उफान पर आने की सूचना मिली थी। कहा जा रहा है कि नदियों के उफान के कारण कटिहार के कई हिस्सों में नदियों में कटाव की स्थिति बनी हुई है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में बारिश की शुरुआत हो गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो दक्षिण बिहार के कई जिले जिसमें कि जहानाबाद में 50%, शेखपुरा और नवादा में सामान्य से 52%, रोहतास में सामान्य से 53%, अरवल में सामान्य से 56% और नालंदा में सामान्य से 57% कम बारिश रिकॉर्ड किया गया है। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक 50% भी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में उन जिलों की बात कर लें तो उसमें दरभंगा में 51%, लखीसराय में 57% और सहरसा में सामान्य से 58% कम बारिश दर्ज की गई है। यानी कि इन जिलों में 40 से 49% के बीच में बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर और पूर्व के जो इलाके हैं यहाँ पे प्रदेश की मानसून की सक्रियता देखी जा रही है और इन इलाकों में बाढ़ की भी स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे ज़िले हैं जहां अभी भी 40 से 49% की ही बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन में यह कहा जा रहा है कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस तरह से बिहार के सभी जिलों में मानसून इन दिनों पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में अब किसानों को बस बारिश की उम्मीद है। बारिश नहीं होने के कारण दक्षिण बिहार के कई जिलों में फसलों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब किसानों का कहना है कि तय समय पर बारिश हुई तो उनकी फसलें बच सकेंगे या फिर तय समय पर जो है वो अपनी खेती किसानी का काम शुरू कर सकेंगे, जिससे कि उनकी फसलें जो हैं वो सही तरीके से हो सके। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।